सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला मेरे कॉलेज की, ठीक है, स्लाइट लॉन्गोवाल की हम बात करने वाले हैं और इसके बारे में हम सब कुछ देख रहे होंगे और मैं पर्सनली कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो मेरे को पता है, क्योंकि मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ। और जैसे कि हॉस्टल के बारे में या फिर आपको मेस के खाने के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आज का अपना वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार, इस कॉलेज के कैंपस एरिया की बात करें तो कैंपस इसमें काफ़ी बड़ा है यार, ठीक है। साइकिल वाइकिल ले लेना जब कॉलेज जाओगे तो, वरना चल के जाना पड़ता है और बहुत दूर क्लासेस पढ़ते हैं तो गर्मी में आपकी हालत ख़राब हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपका कैंपस है यही कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आस पास यार गाँव का एरिया है तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कॉलेज के कैंपस की बात करें तो वो आपका काफ़ी सुंदर सा देखने को मिल जाता है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो वही आपको इसमें जेई मेंस देना पड़ेगा। जेई मेंस के बाद आपकी सीसैप या जोसा के थ्रू इसमें एडमिशन हो रही होगी। पहले जोसा में काउंसलिंग कराओगे, अगर उसमें नहीं मिलता तो तब आप सीसैप में ट्राई कर रहे होगे, ठीक है। आगे चलें और इसके कोर्सेज देखें तो आपके जो इसके कोर्सेज हैं वो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाती है आपको, केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है, सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग भी देखने को मिल जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यहाँ पर मैनेजमेंट और डिसेबिलिटी स्टडीज़ और भी तरह तरह के कोर्सेज, जैसे कि एमटेक में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पीएचडी कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं। एक आईसीडी प्रोग्राम भी होता है, उस पर सेपरेट वीडियो बना रखी है। जैसे डिप्लोमा होता है 2-3 साल का, पॉलिटेक्निक होती है, उसी तरह का यार आईसीडी प्रोग्राम भी होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके डिपार्टमेंट्स की बात। आगे अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो बीटेक की हम बात कर रहे होंगे पूरी वीडियो में। तो जेई मेंस से जो आ रखा है डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी अदर की आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। तो जेई मेंस वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईयरली आपकी लगभग टोटल दे रखी है, फर्स्ट ईयर में आपकी 76,000 जा रही होती है, क्योंकि एडमिशन फीस भी लगती है, आपकी अदर फीस भी लगती है, तो वो सेकेंड ईयर से नहीं लग रही होती, तो अराउंड 50,000 के अराउंड आपकी फ़ीस पड़ रही होती है पूरे साल की। इसमें हॉस्टल की बात करें तो आपका 3,000 का हॉस्टल रहता है एक सेमेस्टर का, और मैथ्स फ़ीस की बात करें तो मैथ्स फ़ीस आपकी लगभग 2,000 से 2,500 रुपये, मतलब अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई कोविड वगैरह की वजह से, तो 2700-2800 के आसपास आपकी फ़ीस लग रही होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर। इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस कुछ खास लगती नहीं है यार, कि जैसे और कॉलेजेस में लगती है ना कि लाइब्रेरी फ़ीस लग रही है, बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग फ़ीस लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप से यार आपकी एक ये कुछ अलग अलग हैं, गेट की स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कम मीन्स है, और आपकी स्कॉलरशिप सर्कुलर्स निकलते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ जेई मेंस वालों के लिए क्या स्कॉलरशिप्स के लिए अवेलेबल है, तो जब हम गए थे तो यार ऐसा होता है कि भाई आपकी अगर इनकम 8 लाख से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है। और वो आपको मिलेगी आपकी फैमिली की इनकम देख के, और आपकी ब्रांच में जो आपकी जेई मेंस की रैंक है उसमें आपके नंबर्स कितने अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप टॉप के 1-2 स्टूडेंट्स में आ रहे होंगे तो ही वो आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही होंगी, उसमें ट्यूशन फीस आपकी माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई स्कॉलरशिप्स की बात। आगे अगर हम चले और प्लेसमेंट्स की बात करें हमारे कॉलेज के, तो प्लेसमेंट्स में यार ये कुछ रिक्रूटर्स हैं जो हमारे कॉलेज में आते हैं, बायजूस आता है, TCS आती है, ठीक है, आपकी होंडा और इंडियन आर्मी, ये आपकी अलग अलग, माइक्रोसॉफ्ट भी आ रखी थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस बच्चों ने निकाली है, मतलब कैंपस में तो एज सच हर साल नहीं आ रही, ठीक है। गोदरेज वगैरह ये सारी कंपनीज आपकी रेगुलर आ रही होती हैं, राइट। अगर हम देखें प्लेसमेंट्स तो यहाँ पर आपका ये कुछ लास्ट ईयर्स का प्लेसमेंट सिनेरियो जा रखा है, ये प्लेसमेंट परसेंटेज है आपकी 70% के अराउंड आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है लास्ट के 1-2 सालों में, जो कि अच्छी बात नहीं है कॉलेज के लिए, राइट। और इसके NIRF रैंकिंग भी धीरे धीरे पीछे होती चली आ रही है, जो भी अगेन अच्छी बात नहीं है, जो सच है यार सच बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कॉलेज है तो तारीफ करने लगूँगा, जो सच है वो सच है, ठीक है। फीस के मामले में अपना कॉलेज काफ़ी ठीक ठाक है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि IISS की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, आपके प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा होती है, हमारा 2.5 लाख में बीटेक कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें नीचे हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ 20 के अराउंड दे रखा है, 18-19-20 के। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यार एक सीनियर का जो है ऑफ कैंपस गया था माइक्रोसॉफ्ट में, तो वो शायद हाईएस्ट पैकेज आ रहा होगा, वो भी वेबसाइट पर शायद अपडेट नहीं है या ऑफ कैंपस की वजह से वो आ नहीं रहा, लेकिन आपका वही प्लेसमेंट हाईएस्ट है, ठीक है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट भी देखने को आपको मिल रही होगी, पास्ट रिक्रूटर्स में स्वराज वगैरह, ये सारी कंपनीज़
यहाँ आती हैं, जो वहाँ पर नहीं थी यहाँ पर हो सकती हैं हों, जैसे कि सैमसंग नहीं थी, माइक्रोसॉफ्ट नहीं थी उधर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें थोड़े से क्या प्लेसमेंट रहता है, ठीक है, एवरेज पैकेज कितना रहता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज पैकेज आपका अराउंड कितना था, यहाँ पर आपका था 4 के अराउंड आपका एवरेज पैकेज था, यहाँ पर 5 की लाइन है तो आपका 4 के अराउंड एवरेज पैकेज है, राइट, और हाईएस्ट ये आपका दिख रहा है आपको। अगर हम बात करें किस तरह से प्लेसमेंट है तो कौन कौन सी कंपनीज देखें, इन्फोसिस आपको हायर करती है, और कॉग्निजेंट जो आती है आपकी, वो एक मास रिक्रूटर है, 42 स्टूडेंट्स को ले गई थी लास्ट टाइम, ठीक है। वहीं पे हिंदुस्तान यूनिलीवर आती है, आपके 2 बच्चे ले गई थी, कैप जेमिनी आपके 18 ले गई थी, ये भी एक तरह से आप मान सकते हो काफ़ी बच्चे लेके जा रही है, इन्फोसिस आपकी ले गई थी 27 को, ठीक है, TCS ले गई थी आपकी 23 को, तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो इस तरह से लेके जाते हैं। टोटल बच्चे जो प्लेस्ड हुए लास्ट ईयर या इस साल की जो मतलब जो प्लेसमेंट चल रही थी रिसेंटली उस वाले की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी 252 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, जो कि अब तक का मतलब पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है। उससे पहले यार आपके 192, 195, 200 इस तरह से टोटल निकल के आ रहा था, लेकिन इस बार आपके 250 से भी ज़्यादा बच्चे प्लेस हो गए हैं, और अभी शायद और हो जाएं कुछ 1-1.5 महीने में, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ्स की, कि भैया कट ऑफ्स क्या है, कट ऑफ्स बता दो, तो कट ऑफ्स पे आ जाते हैं, तो जोसा की बात कर रहा हूँ मैं, जोसा में आपकी कैटेगरी रैंक लग रही होती है, तो फटाफट से मैं आपको कट ऑफ बताने स्टार्ट करता हूँ, 6 राउंड की है, तो केमिकल इंजीनियरिंग की आप यहाँ पर देख लेना, ये सारी की सारी कैटेगरी रैंक्स है, ठीक है, ये जनरल रैंक पे CRL रैंक दिख रही है, बाकी सारी आपकी OBC की रैंक है, EWS की रैंक है, OBC की रैंक है, इस तरह से रैंक आ रही है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका 52,000 पे क्लोज हो गया था जोसा के 6 राउंड में, और आपका AWS कैटेगरी में 8,810 पे, OBC NCL में 17,660 के आसपास क्लोज हो गया था, SC कैटेगरी में 10,330 और ST कैटेगरी में 4,956, ये आपकी कैटेगरी रैंक्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आप इसी तरह से देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपकी फूड टेक्नोलॉजी और आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही मेरी ब्रांच है, राइट। अगर हम बात करें CSAP की, CSAP आपके स्पेशल राउंड्स होते हैं, जब आपकी जोसा की काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो आपकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, उसके बाद आपके CSAP के राउंड होते हैं, तो उसमें आपकी CRL रैंक देखी जा रही होती है। अब कैटेगरी रैंक देखी जाए या CRL रैंक देखी जाए, आपको कैटेगरी का बेनिफिट हमेशा मिलेगा, राइट। या आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की आप देख लेना, नीचे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो आपकी 69,000 पे ओपन कैटेगरी के लिए क्लोज हो गई थी, EWS के लिए 80,000, OBC के लिए 98,950, लगभग 1 लाख तक आपको ये कॉलेज मिल रहा था लाक्स्ट ईयर। SC कैटेगरी के लिए बात करें तो 2 लाख, ST कैटेगरी के लिए 2,98,000, मतलब 3 लाख तक ही चला गया। अब मैं बात करूँ यार OBC NCL में अपने टाइम में CS कितने पे क्लोज हो गई थी, यार लगभग OBC के लिए क्लोज हो गई थी ये 60-70 के आसपास, ठीक है। अब ये रैंक भी पीछे होती आ रही है, जिसमें का मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स घट रहे हैं, ये भी एक बुरी बात हो सकती है कॉलेज के लिए, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देख सकते हैं, फिर आप फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। अब मैं ओवरऑल यार इस कॉलेज के बारे में अगर बात करूँ तो आपकी फ़ीस कम है, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 4-5 लाख का एवरेज तो लग ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अच्छे से अगर आप करोगे तो बच्चे यार बड़ी कंपनीज में भी जा रहे हैं, ठीक है। TCS में बहुत सारे लोग जाते हैं जिनका 7.5-8 का लगता है, और रिसेंटली जो हमारा हाईएस्ट पैकेज है वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट से निकलने वाला है। अगर मैं वाईफाई की बात करूँ तो वाईफाई यार आपका 1 GB ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता, ठीक है। बात चल रही थी कि भाई 2 GB मिलेगा, अभी तक तो हुआ नहीं, वो पिछला 1 साल निकल गया है, हमने 3rd ईयर में बात करी थी, अभी 4th ईयर में आ गए, तो अभी तक वाईफाई की लिमिट बढ़ी नहीं है, तो 1 GB से ज़्यादा आपको वाईफाई नहीं मिलेगा, वो भी 1 GB पूरा नहीं मिलता, कई बार वो 700 MB पे ख़त्म हो जाता है, 800 पे ख़त्म हो जाता है, 1 GB भी पूरा नहीं आता, ठीक है। बात करें कैंपस की तो कैंपस फैसिलिटी यार मतलब आपको कैंटीन वगैरह आसपास देखने को मिल जाती है, ठीक है, और कैंपस आपका काफ़ी सुंदर है, सड़क वगैरह काफ़ी अच्छी है, ट्रैवल के लिए बस लगी हुई है, आपको कॉलेज से संगरूर जाना होगा, संगरूर से बाकी आपका अदर ट्रैवल चल रहा होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर यार आपकी लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी आपकी काफ़ी सुंदर है, आपकी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखी है उन्होंने लाइब्रेरी। आप कैंपस टूर में जो सिविसा का है, हमारा ही अपनी एक टीम है, तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं कि भाई कैसा कैंपस टूर है आपका, कैसा कैंपस है, क्या लाइब्रेरी है, कैसा हमारा कॉलेज है, ठीक है। तो इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं, होपफुली इस कॉलेज के बारे में सब कुछ कवर करते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना कर दो और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।